नमस्कार, मैं संगीत कुमार, आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। इस वक्त मैं पटना के डाक बंगला चौराहे पे मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ट्रैफिक नियमों को लेकर जो ई रिक्शा है, ऑटो चालक है, उनको समझाया जा रहा है। तमाम ई रिक्शा चालकों को और जो ऑटो रिक्शा चालक है उनको यहाँ पर रोका जा रहा है, क्योंकि ये कोतवाली थाना से लेकर जो डाक बंगला की तरफ जो रास्ता आता है, ये रास्ता है, वहाँ से इसे अब प्रतिबंधित क्षेत्र बताया जा रहा है, जिसमें ई रिक्शा और जो ऑटो हैं वो इस एरिया में आप नहीं चला सकते हैं। कि आप देख सकते हैं कि तमाम जो ई रिक्शा हैं उनको इस क्षेत्र में, जो ये एरिया जो है डाकबंगला चौराहे तक यहाँ लगा दिया गया है, और ट्रैफिक एसपी जो है वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। अब जितने भी ई रिक्शा चालक हैं, जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, उनको समझाया जा रहा है, और साथ ही साथ इनसे बातचीत भी करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार क्या है, मतलब किस तरीके से कौन सा एरिया प्रतिबंधित है और किन किन जगहों पर रोका जा रहा है। सर, आखिरकार क्या मामला है जो पूरे ई रिक्शा और ऑटो चालकों को यहाँ कोतवाली की तरफ से डाकबंगला और जंक्शन या गांधी मैदान, इस रूट में ई रिक्शा और टेम्पो को नहीं चलता है, और ये लोग रूट का वायलेशन कर रहे हैं। इधर उसी कारण हम लोग और अभियान चलाया, अभियान के क्रम में जांच किया जा रहा है और विधि सम्मत कार्रवाई लोगों की जाएगी। तो कार्रवाई मतलब आज सिर्फ समझा रहे हैं या फिर जो कार्रवाई है वो पहले भी इन लोगों के जानकारी में है, बावजूद इसके लोग आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं, तो हम लोग आज इसमें नियमानुकूल तरीके से जो फाइन बनता है फाइन हम लोग कार्रवाई करेंगे। कोतवाली से लेकर डाकबंगला चौराहे तक प्रतिबंधित क्षेत्र की तरफ से या इनकम टैक्स तरफ से डाकबंगला की तरफ और स्टेशन की तरफ ई रिक्शा टेम्पो को नहीं जाना है और वायलेट किया, इसलिए हम लोग इसको जब्त कर रहे हैं, जब्त करके विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। देखिए, जानकारी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन से जगह जो है वो प्रतिबंधित है, किस तरफ ऑटो रिक्शा चालक है और ई रिक्शा चालक है वो नहीं चला सकते, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि इन पर जो है उन्होंने साफ तौर से जानकारी दी है कि अब विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो इन पर वो कार्रवाई की जाएगी, और तमाम ई रिक्शा चालक और ऑटो चालक जो है उनके जो गाड़ी जो है, ई रिक्शा जो है, ऑटो है, उसको जब्त किया जा रहा है, उसके जो चाबी है वो चाबी को निकाला जा रहा है और एक लाइन से तमाम रिक्शा को लगाया गया है। अब देखने वाली बात है कि इससे पहले भी लगातार जो ई रिक्शा चालक हो या ऑटो चालक हो, उनको समझाया गया है कि यह जो एरिया है, यह जो पूरा रास्ता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र बना दिया गया, इस पूरे रास्ते को जो कोतवाली थाना की तरफ से डाकबंगला चौराहे की तरफ आता है और स्टेशन की तरफ जो रास्ता जाता है वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो साफ तौर से अधिकारियों ने कह दिया है कि अब इससे पहले भी कई बार समझाया जा चुका है, लेकिन अब इन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, जो फाइन है वो फाइन बनेगा। और देख सकते हैं तरीके से तमाम रिक्शा चालकों को, ऑटो रिक्शा चालकों को यहाँ पर रोका जा रहा है, समझाया, और उनकी जो गाड़ी है उस गाड़ी के चाबी को निकाला जा रहा है, और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद है वो इनके गाड़ी को जब्त कर रहे हैं। एक बार हम फिर से अधिकारी से जुड़ने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरीके से किन लोगों पर कार्रवाई जो है वो कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ अब इसमें जो परिवर्तन है वो परिवर्तन किया जाएगा। सर, थोड़ा जानकारी दीजिए कि किस तरह के, मतलब क्या, कौन सा प्रतिबंधित क्षेत्र है और किन पर कार्रवाई की जा रही है। टेम्पो ई रिक्शा जो कोतवाली से, उनको नहीं आना है, उनका रूट निर्धारित है, स्टेशन जाने के लिए उस रूट से उनको जाना है जीपीओ तक, लेकिन कहने के बार बार हम लोग कह रहे हैं, उसके बाद भी इन लोगों के सुधार नहीं किया जा रहा इन लोगों के द्वारा, तो एक अभियान चलाया गया अभी कि इनको सुधार हो, बाद में और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज कार्रवाई नहीं करे, सिर्फ अभियान, कार्रवाई नहीं, अभियान कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, इससे भी कड़ा अभियान हम लोग और चलाएंगे, जिसमें इसको पूर्णतः लागू करेंगे। आज अभी अभियान चलाए हैं हम लोग, लगभग 100 ई रिक्शा को अभी जब्त किए हैं, 100 ई रिक्शा अभी तक जब्त कर चुके हैं, और जो कार्रवाई है वो विधि सम्मत कार्रवाई, वो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन आने वाले समय में साफ तौर से अधिकारी ने बता दिया कि अब इससे भी करा जो है वो अभियान तो आज चला रहे हैं, लेकिन इससे भी करा एक्शन अब ई रिक्शा चालक और ऑटो चालकों पर किया जाएगा। फिलहाल एक बार सहयोगी से कहेंगे आपको एक बार पूरा डाकबंगला चौराहा का जो दृश्य है वो दृश्य दिखा दें कि आखिरकार किन किन क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है, और फिलहाल अभी तक जो अधिकारियों ने जानकारी दी है उसके मुताबिक 100 ई रिक्शा को अभी तक जब्त कर लिया गया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।